न्यूज़ फॉर एशियन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। आपको बताएं कि इस वक्त हम पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में मौजूद हैं और आपको बताएं कि आज से यानी 2 दिसंबर से पटना में बुक फेयर यानी पुस्तक मेला लग गया है और ये पुस्तक मेला 13 दिसंबर तक चलने वाला है। तो अगर आप बुक पढ़ने के शौकीन हैं, अगर आप बुक पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप पटना के इस गांधी मैदान के बुक फेयर में ज़रूर विज़िट करें। आपको हम छोटे से टूर करके दिखा देते हैं, बता देते हैं कि कौन कौन से बुक्स यहाँ पे आपको मिल रहे हैं, कैसे कैसे स्टॉल्स लगे हुए। तो सबसे पहले हम आपको बताएं कि इधर इस साइड में जो है वो आपको बताएं कि एक येलो बर्ड बुक पब्लिकेशन की तरफ से एक बुक का स्टॉल है जो कि सिर्फ बच्चों के लिए यहाँ पर बुक्स वगैरह अवेलेबल है। और आपको आपको बताएं कि ना ही सिर्फ इंग्लिश या हिंदी बल्कि उर्दू के भी जो बुक है वो इस पुस्तक मेला में आपको मिलते जा रहा। और जब हम पुस्तकों की बात करें तो हम प्रभात प्रकाशन को कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि प्रभात प्रकाशन में आइएगा और आपको दिखेगा कि किस तरह से बिहार के पॉलिटिशियंस के बारे में आपको एक आपको सारा ज्ञान आपको मिल जाएगा। और बिहार की जब बात होती है, बिहार की धरती की जब बात होती है तो राजनीति की बात ज़रूर होती है और आपको बताया कि पॉलिटिक्स की बात ज़रूर होती है। और हम आपको इस टूर में आपको हम लेकर के आ गए हैं प्रभात प्रकाशन में, जहां आपको हम बताएं कि नीतीश तेजस्वी और लालू की किताबें तो खूब बिक रही हैं, क्योंकि आपको बताएं कि बिहार की धरती जो है वो राजनीति और पॉलिटिक्स से तो जुड़ी रहती है। राजनीति और पॉलिटिक्स की हम बात करें तो बिहार को कैसे भूल सकते हैं, और अगर बिहार के लोग पढ़ने के तो कितने शौकीन होते हैं ये तो आप जानते हैं। तो देखिए, हम प्रभात प्रकाशनी में मौजूद थे और हमने आपको दिखाया कि यहाँ आपको नीतीश तेजस्वी और लालू के बुक्स कितने ज़्यादा बिक रहे हैं। आपको हम सारा जो है टूर करके दिखाते हैं, आपको हम बताते हैं कि जो है पटना के इस बुक फेयर में क्या क्या कौन कौन से बुक्स हैं। हमने आपको दिखाया कि यहाँ पे आपको गायत्री परिवार की भी बुक है, क्योंकि आप जो बच्चे, क्योंकि आपको बताया कि इस आधुनिकता के जो ज़माने में, इस आधुनिक ज़माने में बच्चे जो हैं वो बुक से दूर होते जा रहे हैं और ज़्यादातर डिजिटल एज में जाते जा रहे हैं। इस डिजिटल एज में बच्चे बुक्स तो पढ़ना जैसे भूल ही गए हैं, इसीलिए और ख़ासकर जो आपको हमने बताया कि गीता जो पब्लिकेशन है वो बच्चों को आधुनिक से जो आपको आधुनिक तो ठीक है लेकिन आपको आपके जीवन की सच्चाई से आपको जोड़ता है और आपको आपके जीवन से जो चीज़ें हैं। तो आपको हम आपको सारे टूर करके दिखाते हैं। अगर आप IAS या IPS की भी तैयारी कर रहे हैं और आपको बुक्स चाहिए तो इधर उधर क्या भटकना है, आप पटना के गांधी मैदान में आइए और आपको हर एक बुक यहाँ पे आपको मिल जाएगा। आपके आपके बच्चे अगर स्कूल में पढ़ते हैं, आपकी सिलेबस बेस्ड भी बुक यहाँ पे अवेलेबल है। आप ऐसे खाली टाइम में कोई बुक्स पढ़ना चाहते हैं, बुक्स के शौकीन हैं तो सारे बुक्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो ऐसे तमाम वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। मैं स्वाति पांडे, कैमरा पर्सन गौतम के साथ पटना।